वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से हम लोग यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर्स का नाम है डैम्स एंड स्पीलवेज। ओके, यूनिट नंबर 5 है SBT इरिगेशन इंजीनियरिंग के सिलेबस का, जिसका आज ये फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले हम लोग आज बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो सिलेबस हैं आपको क्या क्या पढ़ना है आज, मतलब इस सिलेबस के अंदर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में, उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर से हम आगे की ओर मूव करेंगे इस चैप्टर के साथ में। ओके, आई होप कि आपने प्रीवियस के सारे लेक्चर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा और सारे नोट्स को अच्छे से कंप्लीट करके उसे रिवाइज कर लिया होगा। ओके, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5 को। देखिए, ये यूनिट नंबर 5 है आपका SBT सिलेबस का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ डैम के बारे में। डैम का टाइप्स क्या है, उसमें भी बहुत सारे टाइप का डैम होता है, जैसे कि अर्दन डैम होता है, ग्रेविटी डैम्स होता है। ग्रेविटी डैम्स के अंदर में भी मैसनरी एंड कॉन्क्रीट का होता है। उसके बाद आपको कंपेरिजन ऑफ अर्दन एंड ग्रेविटी डैम्स, अर्दन डैम्स में और ग्रेविटी डैम्स में क्या कंपेरिजन्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू फाउंडेशन, सीपेज, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, अर्दन डैम कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शंस। अर्दन डैम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और उसके क्या क्या फंक्शन हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर से आगे टाइपिकल क्रॉस सेक्शन, सीपेज थ्रू एम्बैकमेंट्स एंड टाइप ऑफ फेलियर ऑफ अर्दन डैम्स एंड रिमेडियल मेजर्स। साथ में ही आपको पढ़ना है सीपेज कंट्रोल थ्रू एम्बैकमेंट्स एंड फाउंडेशन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट पढ़ना है आपको ग्रेविटी डैम्स के बारे में, उसके थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल प्रोफाइल्स के बारे में, टाइपिकल क्रॉस सेक्शंस के बारे में, ड्रेनेज गैलरीज के बारे में, ज्वाइंट सीम, ग्रेविटी डैम, नेक्स्ट हाई डैम एंड लो डैम्स। ओके, नेक्स्ट आपको पढ़ना है स्पीलवे के बारे में। स्पीलवे क्या होता है, डेफिनेशन क्या है स्पीलवे का, फंक्शन क्या है, लोकेशन एंड कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इमरजेंसी एंड सर्विसेज क्या क्या हैं। नेक्स्ट ओगी स्पीलवे क्या है, बार टाइप स्पीलवे क्या है, डिस्चार्ज ओवर स्पीलवे क्या होता है, स्पीलवे विथ एंड विदाउट गेट्स। सो ये सारे आपके सिलेबस के पार्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो जैसे कि आप लोग सभी डैम से थोड़े बहुत अवेयर जरूर होंगे कि डैम्स होता क्या है, ठीक है। तो हम आज डैम्स के बारे में बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एक डैम होता क्या है और ये डैम्स क्यों नीड्स है, क्यों ज़रूरी है डैम्स सिविल इंजीनियरिंग के अंदर में, क्यों डैम्स के बारे में पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज बेसिक्स के बारे में आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखिए, सबसे पहले डैम्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो डैम्स एक सॉलिड बैरियर होता है। क्या होता है, एक सॉलिड बैरियर होता है जो कि कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ठीक है। जैसे सॉलिड बैरियर कंस्ट्रक्टेड एट नैरो आउटलेट इन अ वैली इज कॉल्ड डैम। दीज आर इम्परवियस इन नेचर एंड इट्स कंस्ट्रक्टेड टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर, दस इंक्रीज रेजिंग ऑफ वाटर ऑन अप स्ट्रीम साइड्स। कहने का मतलब है कि डैम्स क्या होता है, एक सॉलिड बैरियर होता है। अब सॉलिड बैरियर मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे कि अगर हम डैम्स की अगर बात करें तो एक सॉलिड बैरियर होता है ट्रायंगुलर शेप का, ठीक है, ठीक इस तरीके से जैसे मैं अभी आपको ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैसोनरी से बना हुआ होता है ना, मैसोनरी से बना हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है। और इसका मेन काम क्या होता है, वाटर को क्या करना, रेज करना, वाटर का जो हाइट है उसको रेज करना। तो मान लो ये वाला आपका हाई फ्लड लेवल है, ये HFL है ना। और क्या होता है, यहाँ पे आपको पानी को क्या करता है, रेज करके रखता है ना, ये ठीक है। तो डैम्स क्या है, डैम्स क्या है, एक सॉलिड बैरियर है जिसका क्या काम होता है, वाटर को क्या करना, वाटर को क्या करना काम होता है इसका, वाटर को क्या करना, इसको वाटर के हाइट को रेज करना और जहाँ पे इसकी ज़रूरत है वहाँ पे वाटर को डाइवर्ट करना, ये डैम का मेन काम होता है। तो एज अ सिविल इंजीनियर हमको डैम के बारे में इसलिए जानना होता है क्योंकि जो भी सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस होते हैं डैम्स के, उसमें हमें ये जानना होता है कि डैम जो होता है, डैम्स का क्या क्या टाइप होता है, डैम्स के फेलियर किस तरीके से होते हैं, डैम्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं,
डैम्स में कौन कौन से प्रेशर फोर्सेज आते हैं, कौन कौन से डायनेमिक फोर्सेज आते हैं, कौन कौन से अर्थक्विक फोर्सेज आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको जानना पड़ता है कि डैम्स को हम कैसे सेफ रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। क्योंकि डैम में जो मेनली प्रेशर्स आता है वो मेनली किसके कारण आता है, मेनली जो इसका जो प्रेशर्स होता है वाटर के कारण होता है, वाटर के कारण होता है। इसके अलावा इसका वेट जो होता है डैम्स का उसके कारण होता है ना। तो वेट का डैम्स वेट जो होता है डैम का काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मैसोनरी से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है और मैसोनरी का वेट ज़्यादा होता है आपको पता ही है। तो ये सारे चीज़ हम देखेंगे कि कौन कौन से फोर्सेज हैं जो कि एक्टिंग होते हैं डैम्स के ऊपर में, है ना। तो मेनली हमको ग्रेविटी डैम्स के बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में डील करना है, बट अर्दन डैम्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, लेकिन मेनली हम लोग को ग्रेविटी डैम्स के बारे में डील करना है। मतलब ग्रेविटी डैम्स के बारे में कहने का मतलब है कि वैसा डैम जो अपने ग्रेविटी के कारण वाटर को प्रेशर को क्या करता है, रेजिस्ट करता है ना। तो वैसे डैम्स के बारे में पढ़ेंगे। एक अर्दन डैम्स होता है, मतलब मिट्टी से बना हुआ भी होता है, बट वो क्या होता है कि ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर से या ज़्यादा जहाँ पे पानी का ज़्यादा हाई फ्लड लेवल से वहाँ पे हम अर्दन डैम का यूज़ नहीं करते हैं, जनरली वहाँ पे हम ग्रेविटी डैम का यूज़ करते हैं। वो सॉलिड से बना हुआ, कॉन्क्रीट से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरीके से, और उसका मेन काम क्या होता है कि वाटर के लेवल को रेज करना और जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वाटर को डाइवर्ट करना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि डैम्स के बारे में बेसिक्स जानकारी आपको हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे साइट सिलेक्शन डिपेंड करते हैं कि आप जहाँ पे डैम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि किस लोकेलिटी में बनाने जा रहे हैं, कहाँ पे बनाने जा रहे हैं, ये डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि डैम का जो साइट है आप किस तरीके से लोकेट कर सकते हैं, है ना। ये आपके एग्जामिनेशंस में भी आते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइट सिलेक्शन के बारे में, किस तरीके से साइट को सिलेक्ट किया जाता है डैम्स के लिए, है ना। देखो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसपे डैम का साइज सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि वहाँ का जो फाउंडेशन है अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा डैम का वेट है वो फाउंडेशन के थ्रू ही सॉइल पे सबमिट होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले वहाँ का जो फाउंडेशन है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मीन्स गुड फाउंडेशन शुड बी अवेलेबल। नेक्स्ट इट शुड बी लोकेटेड इन ए नैरो वैली, है ना। ये वहाँ पे लोकेटेड होना चाहिए जहाँ पे वैली के नैरो है, जहाँ पे नैरो कहने का मतलब है कि वहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर को स्टोर किया जा सके, ठीक है। क्योंकि डैम का मेन काम क्या होता है, वाटर को स्टोर करके हाइड करना, फिर वहाँ पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वाटर को वहाँ पे डाइवर्ट करना। तो इट शुड बी लोकेटेड इन ए नैरो वैली, ओके। नेक्स्ट थर्ड है इट शुड हैव सफिशियंट स्पेस फॉर स्पीलवे, है ना। इसके पास सफिशियंट स्पेस होना चाहिए स्पीलवे के लिए। अब स्पीलवे क्या होता है, स्पीलवे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब जो डैम होता है, मान लो कि डैम है, अब डैम में अगर अमाउंट ऑफ वाटर सरप्लस हो जाता है, मान लो यही डैम है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये डैम है और यहाँ पे क्या कर रहा है, वाटर को यहाँ पे स्टोर करके रखा है ना, वाटर को स्टोर करके रखा है ये डैम, ठीक है। तो ये जो डैम है हमारा, ये मान लो हाई फ्लड लेवल है। हाई फ्लड लेवल कहने का मतलब है कि ये मैक्सिमम वाटर लेवल यहाँ पे अलाउड है, इससे ज़्यादा अगर पानी आता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे मतलब सरप्लस अमाउंट हो जाएगा और उसके कारण जो है फ्लड आने के चांसेस होते हैं। तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हो जाता है वो क्या होता है, डैम के ऊपर से यहाँ पे क्या होता है, फ्लो होता है, डैम के ऊपर से फ्लो होता है इस तरीके से, है ना। तो डैम के ऊपर से फ्लो होता है तो इसके लिए मेनली क्या होता है कि डैम को कुछ इस तरीके से वहाँ पे बनाया जाता है, तो यहाँ पे आसानी से पानी क्या हो, नीचे की ओर जाए और आसानी से पानी इधर की ओर में आगे की ओर में मूव करे, है ना। इसलिए यहाँ पे हम स्पिलवे का कंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि जो एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर है डैम्स में वो आसानी से ऊपर से होकर के नीचे की ओर में चला जाए, है ना। तो इसमें भी बहुत टाइप का स्पिलवे होता है, तो हमारे पास जो है सफिशियंट स्पेस अवेलेबल होना चाहिए स्पिलवे के लिए, ताकि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जब हो वहाँ पे डैम्स के अंदर में, तो आसानी से जो एक्सेस वाटर है वो ऊपर से होकर के स्पिलवे के थ्रू होकर के अपने बाहर की ओर में रिमूव हो जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये बेसिक्स है। बाकी स्पिलवे के बारे में हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट शुड हैव इम्पर्वियस बेड एंड साइड्स सो एज टू रिड्यूस इरोजन, ठीक है। नेक्स्ट है इट शुड हैव इम्पर्वियस, इम्पर्वियस मतलब आप समझते हो कि जहाँ पे पानी क्या हो, परकुलेट ना हो, है ना। इट शुड हैव इम्पर्वियस बेड एंड साइड सो एज टू रिड्यूस इरोजन, है ना। अगर मान लो कि आपका जो डैम का लोकेशन है, डैम का जहाँ पे फाउंडेशन आप कर रहे हैं, वहाँ पे पानी अगर यहाँ पे क्या हो, अंदर की ओर चला जाए, यहाँ पे पानी जाए अंदर की ओर में, मतलब परवियस हो वहाँ पे फाउंडेशन, तो क्या होगा, आपके अंदर का जो फाउंडेशन है उसको कोलैप्स कर देगा और वहाँ पे बहुत टाइप्स के फेलियर होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पाइपिंग फेलियर्स किस तरीके से होता है, बहुत टाइप्स के फेलियर होते हैं फाउंडेशन के। तो वहाँ पे डैम्स काफ़ी हेवी स्ट्रक्चर होता है और इसका फेलियर होने के कारण बहुत ज़्यादा इकोनॉमी और बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है आसपास के एरियाज में, है ना। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे ऐसे जगह पे सेलेक्ट करते हैं जहाँ का बेड क्या हो, इम्पर्वियस हो, जहाँ पे पानी अंदर की ओर में परकुलेट ना करे, है ना।
इट शुड हैव फुलफिल द पर्पस दैट मीन्स इरीगेशन ड्रिंकिंग ईटीसी। और नेक्स्ट जो है ये जो हम डैम बना रहे हैं डैम का कुछ स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए है ना, किस लिए हम बना रहे हैं डैम को। मेनली जो पर्पस होता है इरीगेशन के लिए होता है ना, कि जो हमारा पानी है पानी को हम स्टोर करके रखते हैं और जब हमारे पास जब बारिश नहीं हो रही होती है उस समय हम उस स्टोर वाटर का यूज़ हम अपने लैंड्स में फार्मिंग लैंड्स में पानी का यूटिलाइज इरीगेशन पर्पस के लिए खेतों में जो भी हमारे पास प्लांट्स होते हैं उसको क्रॉप को इरीगेट करने के लिए उस पानी का यूटिलाइज किया जाता है। ओके, तो ये एक हमारा पर्पस होना चाहिए डैम्स का है ना। या तो बहुत सारे डैम्स का ये भी पर्पस होता है कि हम उसको डोमेस्टिक यूज़ के लिए ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए भी उसका यूटिलाइज करते हैं क्योंकि हम पानी को स्टोर करके रखते हैं। और बहुत सारे जगह जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है तो उस सिचुएशंस में हम वहाँ पे डैम के स्टोर जो पानी है उसका यूटिलाइज हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए करते हैं। ओके, तो ये भी एक साइट सिलेक्शन का इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। नेक्स्ट है मटेरियल शुड बी इजीली अवेलेबल नियर बाई साइट्स, मतलब जहाँ पे हमारा डैम बन रहा है वहाँ पे मटेरियल्स क्या होना चाहिए आसानी से अवेलेबल होना चाहिए है ना। ऐसा नहीं कि जो हमारा डैम का साइट है वहाँ से काफ़ी दूर से मटेरियल को लाना पड़ रहा है, तो अगर काफ़ी दूर से मटेरियल को लाना पड़ेगा तो हमारा काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन लॉस होगा, हमें मटेरियल्स को लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा लॉसें होंगी तो हमारा इकोनॉमी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है इकोनॉमिकल होना चाहिए। दोनों क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए हम कंस्ट्रक्शन को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए यही है। नेक्स्ट है इट शुड हैव लेस सबमर्जेंस एरिया दैट मीन्स नॉट मोर देन 10% है ना। इसका जो सबमर्जेंस एरिया होना चाहिए वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबमर्जेंस एरिया मीन्स कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ का जो पानी के सबमर्जेंस का चांसेस है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है द साइट should be such that the length of the dam should be minimum as it directly affect coast है ना। तो साइट इस तरीके से हम सिलेक्ट करें कि जो लेंथ है डैम का मिनिमम हो क्योंकि जितना ज़्यादा लेंथ होगा डैम्स को उतना ज़्यादा हमारा कोस्ट बढ़ते चला जाएगा है ना। तो द साइट शुड बी सच दैट द लेंथ ऑफ द डैम शुड बी मिनिमम एज इट डायरेक्टली अफेक्ट कोस्ट। ओके, नेक्स्ट है इट शुड बी ईजिली एक्सेसिबल थ्रू आउट द ईयर, मतलब ये पूरे साल भर हमें आसानी से उस वहाँ पे जाने के लिए हो, मतलब वहाँ पे आसानी से हम एक्सेस कर सकें उस पर्टिकुलर साइट को। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पर डैम डिपेंड करते हैं। सो आई होप कि डैम्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि डैम्स क्या है। डैम एक सॉलिड बैरियर है जिसका काम क्या होता है, पानी के जो पानी हमारे पास है उसके हाइट को रेज करना और जहाँ पे हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट्स है इरीगेशन पर्पस के लिए हो या फिर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हो वहाँ पे पानी को क्या करना, सप्लाई करना। ठीक है, ये हमारा डैम का मेन काम होता है। और डैम का जो बेसिक प्रोफाइल्स होता है वो ट्रायंगुलर्स होता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया और इससे पहले भी बताया था, जैसे कि यहाँ पे हाई फ्लड लेवल तक वाटर को स्टोर किया गया है और यहाँ से वाटर को जहाँ भी जरूरत है वहाँ पे हम डाइवर्ट करते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे उसके जो फोर्सेस है अफेक्टेड करते हैं, क्योंकि डैम्स में बहुत डिफरेंट टाइप के फोर्सेज आते हैं क्योंकि डैम का खुद का वेट बहुत ज़्यादा होता है तो एक वेट के कारण काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे ग्रेविटी डैम में फोर्स आता है। फिर हमारे पास पानी होता है तो पानी के कारण भी तो फोर्स आता है, आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में पढ़े हो कि कोई भी पानी किसी हाइट तक स्टोर होता है तो वहाँ पे फोर्स आता है, वहाँ पे एक प्रेशर एग्जर्ट होता है जैसे कि गामा इंटू हाइट पड़े होगी, जितना यूनिट वेट है उस पर्टिकुलर फ्लूड का और उसके हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमें प्रेशर निकलता है ना। तो यहाँ भी वाटर स्टोर होता है डैम में, तो डैम के कारण डैम में पानी स्टोर होने के कारण वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर एग्जर्ट होता है क्योंकि यहाँ पे पानी है ना और पानी के कारण प्रेशर एग्जर्ट होगा जो हमारे डैम्स है उसके वॉल पे है ना। नेक्स्ट सिल्ट प्रेशर के कारण होता है क्योंकि हमारा जो डैम्स होता है डैम में जो पानी के अंदर सिल्टिंग भी होता है तो सिल्टिंग के कारण भी प्रेशर एक्ट होता है। वेव नेचर के कारण भी होता है क्योंकि पानी में कहीं कहीं पे वेव भी क्रिएट होता है ना, तो वेव नेचर के कारण भी वहाँ पे फोर्सेज एक्ट होते हैं। आइस प्रेशर्स के कारण होते हैं या फिर अगर हमारा डैम्स अर्थक्वेक प्रोन जोन में है, वैसे जोन्स में है जहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है कि अर्थक्वेक के कारण प्रेशर एग्जर्ट होता है। सो ड्यूरिंग डिजाइनिंग ऑफ द ग्रेविटी डैम वी शुड कंसिडर ऑल ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द फोर्सेस है ना। जब हम ग्रेविटी डैम को डिज़ाइन करते हैं तो इन सारे एस्पेक्ट्स को हम कंसिडर करते हुए डिज़ाइन करते हैं। ओके, सो दैट इज अनदर थिंग्स, आगे हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट आपके माइंड में आज के इस लेक्चर से ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि डैम्स होता क्या है और डैम्स क्यों बनाया जाता है और डैम्स क्या 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 यूटिलाइजेशन है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें थी। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे डैम का जो सिलेक्शन है क्या करता है, अफेक्टेड करता है ना। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मटेरियल्स अवेलेबल है ना, मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है
फंड्स अवेलेबल, जितना आपके पास फंड्स ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आप कंस्ट्रक्शन को अच्छे से कर पाएंगे। नेचर ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन का नेचर किस तरीके से है, वहाँ का सॉइल किस टाइप से है, क्योंकि हमारा फाउंडेशन उसके सॉइल पे डिपेंड करेगा। आप लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि सॉइल है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। क्ले सॉइल होता है, लोमी सॉइल्स होता है, सैंडी सॉइल्स होता है, और हर तरीके के सॉइल में फाउंडेशन का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस पर भी डिपेंड करेगा। स्केस ऑफ सरप्लस वर्क, मतलब जो भी हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, मैंने आपको बताया अभी कि एचएल से मतलब हाई फ्लड लेवल से अगर वाटर एक्सेस हो जाता है तो हमें स्पिलवे का रिक्वायरमेंट होगा, इस पर भी डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ वैली पे भी डिपेंड करेगा, किस टाइप का वैली है जहाँ पे हम डैम्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, सीपेज एंड अपलिफ्ट अंडर डैम्स। सीपेज एंड अपलिफ्ट अंडर डैम का कहने का मतलब है कि मान लो हमारे ये डैम्स है ना, मान लो हमारे ये डैम है, तो ये जो डैम्स है डैम के अंदर में सीपेज भी हो जाता है, क्योंकि पानी है तो पानी के कारण सीपेज थोड़ा मोड़ा तो होना ही है, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो सीपेज के कारण भी वहाँ पे क्या होता है, जब पानी ग्राउंड वाटर के अंदर नीचे जाता है, ग्राउंड अंदर में जाता है, तो नीचे से भी एक रिवर्सल स्ट्रेस वहाँ पे एक्ट होता है डैम के ऊपर में, है ना। ये यहाँ से अब मान लो पानी नीचे सीपेज कर गया तो नीचे के पानी के कारण भी ऊपर की ओर में अपलिफ्ट प्रेशर लगता है, जो कि डैम्स को ओवरटर्न करने की कोशिश करता है, डैम को रोटेट करने की कोशिश करता है, डैम को फेल करने की कोशिश करता है, है ना। तो जनरली हम लोग अपलिफ्ट प्रेशर को जितना कम से कम हो सकता है उतना रखते हैं, क्योंकि मान लो कि अगर नीचे से अगर आपका प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाएगा वाटर के कारण तो आपका डैम का ओवरटर्निंग मोमेंट यानी कि डैम को फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसपे हमारे डैम के साइट सिलेक्शन डिपेंड करते हैं। ओके, सो आप लोगों ने भी देखा कि डैम्स क्या होता है, डैम के साइट सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे डैम का साइट सिलेक्शन अफेक्टेड होता है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग ग्रेविटी डैम्स के बारे में मेनली, क्योंकि हमें ग्रेविटी डैम्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ऐसे पढ़ना अर्थन डैम्स के बारे में भी है, बट अभी हम ग्रेविटी डैम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो देखिए, एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो डैम्स इज ए फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर सो एज टू स्टोर या डाइवर्ट वाटर फ्रॉम अपस्ट्रीम साइड्स, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है, इट इज द टाइप ऑफ डैम विच रजिस्टर द एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, बाय इट्स ऑन वेट, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी इसे पिछले में कि कैसे हम ट्रायंगुलर शेप कराता है और उसका जो वाटर का जो कैपेसिटी है वो अपने वेट के कारण पूरे वाटर को रजिस्ट करता है, ठीक है। ये मैसोनरी भी हो सकता है और ये कंक्रीट का भी हो सकता है, मैसोनरी डैम भी हो सकता है और ग्रेविटी डैम भी, सॉरी, मैसोनरी डैम भी हो सकता है और कंक्रीट का बना हुआ डैम भी हो सकता है ना। दोनों चीज़ें इसमें हो सकती हैं ग्रेविटी में, ठीक है। और वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई अभी, वही चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ डैम साइट्स, ये डैम साइट लिखा हुआ है, ठीक है। वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया, टॉपोग्राफी शुड बी सच दैट इट हैज डीप नैरो वैली विथ लो सबमर्जेंस, है ना। वहाँ पे नैरो वैली होना चाहिए और सबमर्जेंस लो होना चाहिए, ठीक है। रिवर शुड बी पेरेनियल इन नेचर्स, पेरेनियल कहने का मतलब है वैसे रिवर्स जहाँ पे पानी सालों भर बहता हो उसको पेरेनियल रिवर्स कहते हैं, है ना, वहाँ पे होना चाहिए। डैम साइट शुड बी इम्परमिएबल, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, एंड ऑल्सो फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक एक्टिविटीज़। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाए डैम का जो साइट है इम्परमिएबल होना चाहिए, मतलब वहाँ पे वाटर जो है उसके फाउंडेशन के अंदर में क्या होना चाहिए, परकोलेट नहीं करना चाहिए, और हमारा अर्थक्वेक एक्टिविटीज से भी फ्री होना चाहिए, ठीक है। हम ऐसे जगह पे डैम्स को बनाए जहाँ पे अर्थक्वेक जोन नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होना चाहिए, क्योंकि अगर अर्थक्वेक जोन में होगा तो अर्थक्वेक फोर्सेस के कारण भी डैम्स का फेलियर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ नोट्स हैं, इलास्टिक प्रोफाइल ऑफ डैम इज ट्रायंगुलर इन नेचर बिकॉज हाइड्रोस्टैटिक्स। जो इलास्टिक प्रोफाइल होता है डैम का वो ट्रायंगुलर इन नेचर्स होता है क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक नेचर्स के कारण, ठीक है। क्योंकि प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। आप लोगों को पता ही है। अब कैसे पता है इसके बारे में, मैं कुछ अब फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मान लो यही डैम है और डैम का यहाँ से यहाँ तक का हाइट एच है, हाइट एच है, ठीक है। अब यहाँ ऊपर में तो हाइट जीरो है ना। अब आप लोग जीरो जानते हो कि प्रेशर वापस क्या होता है, गामा इंटू हाइट, यूनिट वेट ऑफ वाटर, मतलब जो भी आप फ्लूड यहाँ पर रख रहे हो उसका यूनिट वेट इंटू हाइट। अब ऊपर में हाइट जीरो है और जैसे जैसे नीचे हाइट बढ़ेगा वो बढ़ते चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तो क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू जीरो दिखाया गया है। और यहाँ पे चूंकि मैक्सिमम वाटर है तो यहाँ पे मैक्सिमम दिखाया गया है। इस तरीके से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर इस तरीके से ट्रायंगुलर होता है। हाइट जीरो है तो ये वैल्यू भी तो जीरो आ जाएगा ना,
ठीक है। और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा इसका वैल्यू बढ़ते रहेगा और यहाँ पे आकर के बॉटम में क्या हो जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है। तो यही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या किया गया है, दिखाया गया है। ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का चीज है ना, आप लोग पढ़े ही होगी प्रेशर बराबर स्पेसिफिक वेट इनटू हाइट, क्योंकि हाइट यहाँ पे जीरो है इसलिए वहाँ पे जीरो हो जाएगा और यहाँ पे मैक्सिमम, इसलिए यहाँ पे ऐसे ट्रायंगुलर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर बनाया गया है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। आप लोग पहले से भी जानते होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में, ठीक है। तो बेसिक प्रोफाइल जो होता है ट्रायंगुलर होता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण में। ठीक है, नेक्स्ट, अब डैम कितने तरीके के होते हैं इसके बारे में एक बार मैं दिखा लेता हूँ। जो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट डैम्स हो ग्रेविटी डैम ही है, इसलिए मैं बार बार ग्रेविटी डैम्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। ऐसे डैम्स और भी तरीके के होते हैं तो मैं एक बार अभी इसके बारे में डिस्कस कर ले रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू हाइट, हाइट के आधार पर डैम को क्लासीफाई किया गया है। लो डैम्स जिसका हाइट अप टू 100 फीट है, 100 फीट के आसपास पे अगर डैम का हाइट है तो उसको हम लोग लो डैम्स कहते हैं। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल अर्दन डैम्स जिसका हाइट 30 मीटर से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडरेट डैम जिसका हाइट जो है 100 से 300 फीट होता है। हाई डैम्स जिसका हाइट ग्रेटर देन 300 फीट होता है। ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया बेस्ड ऑन दी हाइट्स, हाइट के आधार पर ये क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू यूज, यूज के आधार पे है स्टोरेज डैम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज डैम में है ग्रेविटी डैम और रॉकफिल डैम्स। ग्रेविटी डैम्स के बारे में मैंने आपको भी बताया, रॉकफिल डैम्स के बारे में आगे डिटेल्स में बात करूंगा। ठीक है, पहला ये हो गया। नेक्स्ट है आपका डाइवर्जन डैम, उसके अंदर में है वेयर एंड बैराज, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है डिटेंशन डैम जैसे कि डाइक एंड डेब्रिस डैम। ओके, नेक्स्ट आगे हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिजाइन, डिजाइन के आधार पे है ओवरफ्लो डैम जैसे कि स्पिलवे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हो जाता है तो डैम के ऊपर से पानी को सरप्लस कराना पड़ता है, इसको हम लोग स्पिलवे कहते हैं। हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड में कि स्पिलवे एक क्या है, हमारा एक कंस्ट्रक्शन है जिससे हम एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को डैम के ऊपर से क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, है ना, वो हमारा एक कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नन ओवरफ्लो डैम जैसे कि ग्रेविटी अर्दन डैम्स। ओके, नेक्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू मटेरियल्स, मटेरियल्स के आधार पे रिजिड डैम्स, मतलब जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं डैम्स के अंदर में उसके आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, जैसे कि ग्रेविटी, स्टील, बटरेस, कंक्रीट। जैसे कि कंक्रीट यूज करेंगे तो कंक्रीट डैम्स, अगर स्टील यूज करेंगे तो स्टील डैम, बटरेस यूज करेंगे तो बटरेस डैम, टिम्बर यूज करेंगे तो टिम्बर डैम्स, मतलब जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसके आधार पे क्लासिफिकेशन है। ओके, नेक्स्ट है नन रिजिड डैम्स, है ना, नन रिजिड डैम्स के अंदर में है अर्दन और रॉकफिल डैम्स। सो ये सारी चीज़ें डैम्स की क्लासिफिकेशंस थी बेस्ड अपॉन द डिफरेंट क्राइटेरिया। ओके, जैसे कि पहले हम लोग हाइट पे देखे, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू यूज़ देखे, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन देखे, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू मटेरियल्स देखे। सो आई होप कि आज के इस लेक्चर से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और आपको बहुत सारी बेसिक्स जानकारियाँ जो है डैम्स के बारे में हो गई होंगी। अब धीरे धीरे हम लोग आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 18 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एसपीटी एग्जामिनेशंस में यहाँ से आते हैं। सो आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, आपके 18 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में कवर होंगे, साथ ही साथ आगे कंपटीशंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। डैम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं, सो आप लोग इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। ओके, ये चीज़ मैंने अभी आपको बता दिया। ओके, एज पर गवर्नमेंट लिस्ट 10% ऑफ डिस्चार्ज शुड बी अलाउड ऑन डाउन स्ट्रीम साइड सो दैट पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन दैट विल गेट अफेक्टेड। मतलब अप स्ट्रीम साइड में तो पानी रहता ही है, लेकिन डाउन स्ट्रीम साइड में भी हम लोग कम से कम 10% ऑफ वाटर को अलाउड करते हैं ताकि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उसको इरीगेशन में या पानी में कोई पानी की कोई कमी ना हो, इसलिए हम लोग 10% डिस्चार्ज को डैम के डाउन स्ट्रीम साइड में भी पीछे की तरफ में हम वहाँ पे देते हैं। ठीक है, अप स्ट्रीम साइड मतलब जहाँ पे पानी आ रहा है अप स्ट्रीम फेज में, और डाउन स्ट्रीम साइड मतलब जहाँ पे लास्ट फेज है इधर में, है ना, वहाँ पे भी हम लोग पानी को 10% एटलीस्ट देते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। सो आई होप कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। So thank you everyone for watching this session. God bless you all.